तो दला मुन्ना भैया बुरा लगे तो सामने मुंह पे फेर। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 10 और डेट है आज का 6। तो आज हम लोग का दिल्ली में लास्ट दिन है। लास्ट दिन क्या है, मतलब ख़त्म हो गया, 4 बजे ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। तो मुन्ना जी ढूंढ आया कहीं जाएंगे अभी कहाँ? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो भैया अभी फिलहाल जा रहे हैं हम लोग आनंद विहार, वहीं से ट्रेन है। तो आनंद विहार में कुछ मिलता है आपको खुद दिखलाते हैं हम, मतलब कुछ वैसा हुआ तो चलिए अभी फिलहाल जाना है अभी कहाँ, नोएडा सिटी सेंटर, वहाँ से मेट्रो लेके आनंद विहार जाना है। उसके बाद मिलते हैं आगे आनंद विहार में। ये वरिष्ठ नागरिक, शर्म नहीं आता आपको? नहीं भैया, पहले तो एक राजन भैया थे, अब इनको देखिए, ये भी वरिष्ठ नागरिक में गिने जाते हैं। भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार, यहीं से ट्रेन हमको पकड़ना है, आप देख सकते हैं यहाँ। और मेरे साथ है अभी मुन्ना भैया और राजन भैया, आगे बात कर रहे हैं, समझ सकते हैं आप किससे बात कर रहे होंगे। वो गाइस बात ऐसी है, लग चुका है बहुत जोर से, बहुत बहुत ज़्यादा जोर से भूख, मुझे नहीं मुन्ना भैया को, मॉर्निंग से इतना खाना खा चुके हैं, खाते ही है, फिर भी बोल रहे अभी चला नहीं हो रहा है, हमसे भूख लगा है। मतलब हद है क्या मुन्नी, इतना काहे ला खाती हो? एक तो ऐसा ही मोटे हाईवे है और पता ना गेंडा बन जाएंगे, गेंडा स्वामी। भाई साहब अभी फिलहाल स्टेशन पे है और यहीं से ट्रेन पकड़ना है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी ट्रेन। और अभी फिलहाल दो ढाई घंटा भी बचा हुआ है ट्रेन आने में। यहाँ मुन्ना भैया अपना सेल्फी ले रहे हैं। क्या मुन्ना जी ठीक है? और राजन भैया का सबसे बेटर है, हम लोग को क्या है गेम खेलने में ज़्यादा है नहीं, राजन भैया आराम से जब से आए हैं फ्री फायर में लगे हुए हैं, खूब खेलते हैं। तो गाइस एक महेंद्र सिंह धोनी सर थे जो एयरपोर्ट से शायद उतरे थे, थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो साक्षी मैम से उसे प्यार हो गया। और एक हम लोग हैं, 4 घंटे से बैठे हैं, प्यार तो दूर की बात है, कोई दिख भी नहीं रही है। सही बात है, बिल्कुल दूर तक नहीं दिख रहा। तो भैया ट्रेन आ चुकी है और हम लोग को जाना है बी टू में सीट है हम लोग का, आगे है हम लोग का, चलिए। तो भाई साहब फाइनली ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं, बैठ गए सीट पे, यहाँ मुन्ना भैया है और सामने राजन भैया है। क्या राजन भैया ठीक है? मुन्ना भैया ऊपर जाएंगे। देखिए भैया मजा तो ले रहे हैं राजन भैया, आराम से मस्त ऊपर एकदम सो के आप बात कर रहे हैं, जब से बैठे हैं ना आराम से अकेले, हमको यहाँ पर ही छोड़ दिए, यहाँ अंकल लोग हैं, हमारा सीट यहाँ है और यहाँ बीच में हम दोनों का पड़ गया है, हमारे मुन्ना भैया का, राजन भैया ऊपर है, तो हम लोग दूसरे के सीट पे आके यहाँ पड़े हुए हैं। मुन्ना भैया कैसे गए? अब कोई बुरा लगे तो सामने मुंह पे फेर। हमने पाठक को कहा ऐसा है। आज है 7 तारीख आज है, कल ट्रेन पकड़े हुए थे, पहुंचाना तो ट्रेन को करीबन सीतामढ़ी जंक्शन पे 7:30 बजे पहुंचा देती हमको, लेकिन अभी टाइम हो गया यहाँ 8:30 यहीं बज गया, अभी हाजीपुर से निकले हैं, अभी मुजफ्फरपुर मतलब और जंक्शन सब है, करीबन अभी टाइम वेयर इज माई ट्रेन पे शो कर रहा है मोटा मोटी 11:30, कल मेरा एग्ज़ाम है। राजन भैया उधर सोए हुए हैं, राजन भैया सबसे सही है, आराम से सो के
गुटरगू मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब यार कल से बैंक खुलेगी? कल से नहीं, सोमवार से। सोमवार से बढ़िया है। मुन्ना यार देखो हाथ में है, बच्चा वाला हरकत करते रहते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं। नीचे अंकल जी तो सोए हुए हैं। तो गाइस एक बात बताना था आपको, जैसे मुन्ना भैया का किस्मत और मेरा किस्मत फूटा हुआ है ना, उसी तरह जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं जिस सीट पे, उसका भी कांच फूटा हुआ है। आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, और मुन्ना भैया यहाँ ठूस रहे वो भी आपको दिख रहा होगा। मुन्ना भैया लीजिएगा। राजन भैया समोसा चाहिए 10 रुपए भैया, चाहिए आपको? आपको चाहिए भैया? लेकिन एक सेकंड चाय चाय 2 दिन में ट्रेन में रह के आदत हो गया ना चाय बेचने का। आई दो दला मुन्ना भैया पूरा बाल नोच दिए मुन्नी, भाग जाओ तो मुन्ना भैया। तो भैया फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से पता नहीं क्या हुआ, क्या टाइम हो चुका है काफी ज्यादा, करीबन 12 बज गई है यहाँ पे। और यहाँ से अभी ट्रेन वगैरह है नहीं, बस देखते हैं, अगर बस या ऑटो मिल गया तब तो बेटर उससे निकल जाएंगे, और नहीं तो यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा। 4:30 में एक ट्रेन है, उसी से कोशिश करेंगे हम चलते आगे। भैया रात में सीतामढ़ी जंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर हो गया ऑटो स्टैंड वगैरह, और यहाँ सामने देखिए प्यारा सा व्यू मस्त है इधर का पूरा, आप देख सकते हैं। भाई साहब फाइनली पहुंच चुके हैं पुपरी, ये कर्पूरी चौक रहा। बस मिल गई हुई थी तो बस से चले आए हैं, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जा रहे हैं सोने, कल एग्जाम है मेरा। अभी टाइम हो रहा है करीबन 2:30 बज रहा है, सवेरे पहुंचा दिए बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।